चलो आज का लंच बॉक्स ना आप सब लोगों का फेवरेट लंच बॉक्स होने वाला है। मतलब इस लंच बॉक्स को देख के ना आपको ऐसा लगेगा कि काश हमारी मम्मा भी हमको ऐसा लंच बॉक्स दे। एक्चुअली आपको ही नहीं, मेरे को भी इसको बनाने के बाद ऐसा ही लग रहा था कि आई विश मम्मी हमको भी ऐसा ही लंच बॉक्स हमको बचपन में देती, जब हम छोटे थे, जब हम लंच बॉक्स लेके जाया करते थे स्कूल में। तो ऐसा तो हमारी मम्मा ने कभी किया नहीं, पर मुझे कमेंट करके बताना आपने कभी ऐसा लंच बॉक्स लेके गए हो कि एकदम फुल ऑफ चॉकलेट्स और सब चीज़ें, मतलब जो हमको अच्छी लगती हैं, जो हम हमेशा खाना चाहते हैं, ऐसा वाला लंच बॉक्स आप कभी लेके गए हो क्या? ठीक है, तो यहाँ इस लंच बॉक्स को बनाने के लिए ना मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें यूज़ करी हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो सबको अच्छी लगेंगी। मतलब मैं छोटी होती तो मेरे को भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती, मतलब अभी भी अच्छी लगती हैं, पर ज़्यादा अच्छी तब लगती है जब हम छोटे बच्चे थे। ठीक है, तो यहाँ मैंने पोकी डाली है, पॉकी क्या बोलते हैं इसको, शायद मैं इसको हमेशा गलत ही बोलती हूँ। ठीक है, थोड़ी सी किंडर ब्यूनो चॉकलेट थी मेरे पास, ये नट्स नहीं, क्या थे, नट्स थे हाँ, है ना, थोड़े से लिटिल हार्ट्स, थोड़ी सी चिप्स, एक किंडर जो है लॉटी चोको पाए, और थोड़ी सी किंडर चॉकलेट, थोड़ी सी नहीं, 2 किंडर चॉकलेट, और फिर डाला है मैंने फ्रूट टेला की 4-5 कैंडी, और इसके बाद इसमें डाली थी मैंने फरेरो रफेलो, और लास्ट में एक कैंडी मैन की बेफर चॉकलेट। है ना मस्त वाला लंच बॉक्स। किस किस को लंच बॉक्स अच्छा लगा, मतलब सभी को अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो आज की वीडियो का शॉर्ट आउट सुनीता वर्मा को जाता है, और अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और कॉमेंट कर दो #123। और हाँ गाइज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो वो भी कर लो। ठीक है, बाय।